fucking... सॉरी भाई, रॉकी का फंडा क्लियर है। मस्ती मजाक ओके, पर भाई को तकलीफ नॉट ओके। मार लो, मार लो। अबे अमृतसर की ड्रामा कंपनी के बेताज बादशाह, तुझसे बड़ा ना ड्रामेबाज नहीं देखा मैंने आज तक। एक बात बता, हैप्पी को गाड़ी की डिक्की में क्यों बंद किया था? पता था मुझे कि बिल मुझ पे ही फटना है। अच्छा, वो लड़की है, कोई बियर की कैरेट नहीं है जिसको मैं डिक्की में बंद कर दूंगा। तो मुझे देख के ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह क्यों भागा? मुझे लगा कि लाइफ में मैं रूल्स तोड़ता ही रहता हूँ, तो इस बार भी किसी गलती का चालान काटने आ गए होंगे आप, इसीलिए डर के भागा। तो तूने हैप्पी को गाड़ी की डिक्की में नहीं डाला, कसम खा मेरी। ठीक है, गॉड कसम। अबे गॉड के बच्चे, मेरी कसम खा। बोल कि मैं रॉकी चिंटू भैया की कसम खाता हूँ कि मैंने हैप्पी को गाड़ी की डिक्की में नहीं डाला। नहीं किया। मेरी कसम खा, रॉकी ने हैप्पी को डिक्की में बंद नहीं किया। मेरी कसम भाई। चिंटू भैया, इस सब में रॉकी का कोई हाथ नहीं है, बिकॉज रॉकी तो हमारे साथ था ना। करेक्ट करेक्ट भाई, मैं तो इनके साथ था ना। सानिया की कसम। अच्छा, तो सानिया तुम्हें कैसे पता कि मैं रॉकी की किस गलती पे उसकी क्लास ले रहा था? चिंटू भैया, हाँ रॉकी तो लाइफ के रूल्स तोड़ता ही रहता है, तो आई डोंट नो आप इस बार किस बात के लिए चालान काट रहे हो, पर अगर वो हैप्पी से रिलेटेड कुछ भी है तो इसमें रॉकी ने कुछ नहीं किया। छोड़ ना सानिया, हम लोग अगर कोल्ड ड्रिंक भी पिए ना तो सबको लगता है कि उसमें भी रम मिला के पी रहे। मरवाएगा यार ये। ठीक है, I'm sorry, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा कि वो तुम है। बस भाई छोड़ो, आपको भी वही लगा जो सबको लगता है, कोई पॉइंट ही नहीं है। सॉरी बोला ना, अब क्या लिख के दूं? वैसे भी मेरे को इतना भगाया है, अब रुलाएगा क्या? और तुम सारे चलो, फंक्शन शुरू होने वाला है। सानिया यारा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। हाफ सेंचुरी हो चुकी है तेरी, 50 बार जान बचा चुकी है तू, बस गिनता जा डूड। इसे कहते हैं बेस्ट बड़ी, यारो दा यार। ओ भाई, वैसे हाफ सेंचुरी ना तेरी ही हो चुकी है, कम से कम 50 बार सानिया की झूठी कसम खा चुका है। ओ, इसे कुछ हो गया तो आंटी वीरे, और टिमी वो यार ही कैसा जो अपने यार के लिए जान देने से पहले एक बार भी सोचे। ओ ये मारा सानिया ने, किसके यहाँ? चल थोड़ा धमाल मचाते हैं। चल चलो यार। ओ दिल तो हैप्पी। डूड रॉकी, उधर तो अलग ही पिक्चर चल रही है यार। हैप्पी? करेक्ट, फ्रूट्स खाएंगे ना तो ज्यादा हैप्पी रहेंगे। पर मुझे तो डोनट्स खाने थे एक्चुअली। मुझे पता है आपको डोनट्स खाने थे, पर हमारे अमृतसर में तो 24/7 डोनट्स मिलते हैं ना। पहाड़ों में आए हैं, पहाड़ों के माहौल और मौसम का मजा लीजिए, फ्रूट्स खाइए, दिल भी हैप्पी रहेगा, सेहत और स्वाद दोनों सेट रहेगा। ये लीजिए,
मेरी फेवरेट है। हैप्पी हैप्पी चल, हेलो जी, चल चल। भाई हाँ, ये फ्रूट सैलेड मौसम और माहौल भी कोई चीज होती है ना रॉकी। अब पहाड़ों में आए हैं तो फिर सीजनल फ्रूट्स तो स्वाद और सेहत दोनों सेट है ना। भाई आपकी बातों से ना ये हैप्पी की बू आ रही है। ये सैलेड उसी ने दिया ना आपको? हाँ, मगर भाई वो लड़की आपका मजाक उड़ा के चली गई और आप ये पपीता खा रहे हो। सानिया जरा तू बता, एक खाते पीते इंसान को हेल्दी खाने का ज्ञान कब पिलाया जाता है? क्या भाई आप भी ना। हैप्पी चल फटाफट मेहंदी लगा ले। नहीं, जब मेहंदी लगवाने का टाइम था तब तो मैं उस डिक्की में बंद होके छुपन छुपाई खेल रही थी। तुम सबने लगवा ली ना, अभी काफी है, छोड़ो। इतने भी बुरे नियम हैप्पी? इतनी A1 कजिन सिस्टर्स तो भगवान मुझ जैसी डिजर्विंग कैंडिडेट को ही दे सकता है। शर्म कर ले, बाद में करूंगी, पहले मेहंदी लगवा लेते हैं। मेहंदी वालियों का मीटर वैसे ही डाउन है, चलो बैठो लगवाते हैं। मम्मी आपने भी मेहंदी नहीं लगवाई ना, चलो मेहंदी लगवा लो। चलो बेटा तुम लोग मेहंदी लगाओ, तुम्हारी उम्र है ये सब करने की, ठीक है? कैसी बातें करती हो मम्मी, मेहंदी है, कोई IAS का एग्जाम थोड़ी है जो उम्र निकल गई फिर दे नहीं सकते। मेहंदी किसी भी उम्र में लगवा सकते, चुपचाप लगवाओ, चलो। हैप्पी तू रहने दे बेटा, तुम लोग लगवा लो प्लीज। मुझे पता है मम्मी आप क्यों मना कर रहे। मम्मी मुझे याद है पापा को मेहंदी की खुशबू कितनी पसंद थी। जब आप उनके बालों में मेहंदी लगाते थे तो वो कैसे आपके हाथ सूंघते रहते थे। हैप्पी तूने तो चाचा जी को चाची की मेहंदी वाले हाथ सूंघते हुए देखा होगा ना। मैंने तो जी उन्हें वहां चूमते हुए देखा है। लगवा लो ना चाची। हाँ चाची प्लीज लगवा लो, प्लीज चाची की शादी है, कम ऑन। हाँ चाची प्लीज। तुम लोग मानोगे नहीं ना? नहीं। चलो चलिए। ओ देखो ना ये सारा जो अरे सिमी सुनना, तू पराठे बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि शादी के बाद रोज नाश्ते में रुपिंदर को तुझे एक दर्जन पराठे बनाकर तो खिलानी पड़ेगी। मार खाएगी। भैया ये बीजी और बुआ जी हर शादी में मेरी शादी की सेटिंग करने क्यों लग जाती? लो बताओ, लड़की की उम्र हो गई है, ब्याह सोचनी पड़ेगी ना। चिंटू भैया यार कोई बताए ना इन्हें। ब्रेकिंग न्यूज, शादी करने के लिए प्यार में पड़ना बहुत जरूरी होता है। ओए सिमी कहाँ जाएगी तू प्यार में पड़ने? ब्रेकिंग न्यूज, बाहर जो लौंडे घूम रहे हैं ना उन्हें प्यार वाली समझ में आता है, उन्हें खुराफात समझ में आता है, खुले सांड हो रखे हैं सारे के सारे। अच्छा एक खुला सांड तो मेरे सामने ही घूम रहा है। क्या बोली तू? चमाट मारना मैंने तेरे। चिंटू भाई देख रहे हो इसे, बड़े भाई के बारे में ऐसे बोलते हैं। रॉकी क्यों तो चलती ट्रेन में चढ़ रहा, जरा चेन खींच के बात तो सुन ले पूरी। यहाँ बुआ और दादी उसकी शादी की बात कर रहे हैं और भाई मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। इसे बोलो अपॉइंटमेंट लेने के लिए, नेक्स्ट टाइम सुनूंगा इसकी बात। फिलहाल तू मेरी बात सुन, अगर मैंने तेरे को किसी लड़की के साथ बाहर देखा तो पहले तो उसकी टांग तोड़ूंगा और उसके बाद तेरी टांग तोड़ूंगा। बता रहे हैं धमका रहे, बड़े हेडमास्टर कहीं के। भैया आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? इस दुनिया के सारे मर्द ये MCP टाइप के हैं। सारी गलती ना तेरी है, कौन से झंडे गाली तूने साइंस में टॉप करके? यार जरूरी है लड़की जॉब ही करे, मर्जी होनी चाहिए, मैंने नहीं करनी कोई भी जॉब। ठीक है तो वही कर जो सारी लड़कियां करती है, शादी बच्चे दी एंड। ओए फेमिनिज्म की ब्रांड एंबेसडर, लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस चॉइस का राइट सिर्फ लड़कियों के पास है। जैसे नौकरी करने उनकी चॉइस होती है वैसे ही शादी और बच्चे करना भी उनकी चॉइस होती है।
और असली फेमिनिस्ट वो होता है जो इस चॉइस को रिस्पेक्ट कर सके, वो नहीं जो सोचे कि शादी और बच्चे पैदा करने वाली लड़कियां वीक होती हैं। चलो लड़ाई झगड़ा बंद करो और चिल मारो। और ये लो मैंगो राइप खाओ और हैप्पी हो जाओ। हाय रब्बा, देखो देखो देखो, एक विधवा को ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है कि दूसरी विधवा अपने हाथ में मेहंदी लगवा रही है। हमारे जमाने में तो औरतें सिर्फ पति के नाम की मेहंदी लगाती थी, और आजकल पता नहीं ये लड़कियां तो किसी के नाम की भी मेहंदी लगा लेती हैं। न पति का ख्याल न समाज का लिहाज, ऐसी विधवाओं के चक्कर में ही हम जैसी विधवा धर्म निभाने वाली विधवाएं बदनाम हो रखी हैं। विधवा धर्म रियली? अच्छा, बोया पेड़ बबूल का तो अंब कहां से होए? जैसे माँ वैसी बेटियां। ओहो बीजी, की होया है? अरे की होया, सत्यानाश होया है। अरे जिनके पति मर जाते हैं उसे विधवा ही कहते हैं ना। बाय गॉड की कसम, बीजी इन फुल फॉर्म। और विधवाओं को तो फिक्के रंगे फपते हैं। इस तरह मेहंदी लगवाना, ये खुली जबान वाली लड़कियों से हंसी ठट्टा करना, ये शोभा नहीं देता विधवा को। पीजी, आपको जो कुछ भी बोलना है ना, आप मेरे को बोलो, पर मेरी मम्मी के लिए कुछ मत बोलो। वो मैनू की कह रही है, अपनी माँ नू बोलना जिसे जुआनी चढ़ी है। मेहंदी लगवा के विधवा होने का जश्न कौन मना रहा है, ये या मैं? पीजी तो फन्ने खा निकली। रॉकी डूड, जाके संभालना उनको। संभाल लेंगे, पहले थोड़ा फैलने दो, फिर मारेगा रॉकी डैशिंग वाली एंट्री। एक काम कर हैप्पी, आज तूने अपनी माँ के हाथ में मेहंदी लगवा दी है ना, तो हल्दी भी लगवा दे नाले, और कल कोई मुंडा ढूंढ के ब्याह कर दे इसका। चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, अब बस भी करो ना आप। अरे बस क्या, मैंने किसी से नहीं डरना, जो सच है वो ही बोलूंगी बस। अरे जो जोर से झूठ बोलने से ना आपका झूठ सच नहीं होना है। कुछ भी बोली जा रही है आप मेरी मम्मी के बारे में। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, रो नहीं, उठो उठो मम्मी। रो क्यों रहे हो बीजी? आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, वैसा होता होगा, पर आपके जमाने में, आज जमाना बदल चुका है ना बीजी। बात तो कुड़ी सही कह रही है जी। बीजी विधवा होना कोई पाप तो नहीं है ना, विधवा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आपको सजा मिल गई है, आप खुश नहीं रह सकते, आप मुस्कुरा नहीं सकते। विधवा होने का गम कोई कम नहीं कर सकता है। आप भी विधवा हो, मेरी मम्मी भी विधवा है, पर इसमें आप लोगों की क्या गलती है? क्यों सजा दी जाए जिससे आप लोग खुल के जी नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते? बीजी मान मर्यादा रीति रिवाज सब अपनी जगह है, पर इन चीजों का क्या फायदा अगर ये आपको जीने ही ना दे, आपका दम घोट दे तो? बिल्कुल सही गल है जी। मेरे लिए ना मेरी मम्मी की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बीजी परंपरा मर्यादा रीति रिवाज इन सब की इज्जत मैं भी करती हूँ, पर एक बात बताई, इन सब का क्या फायदा अगर ये सब गले में फंदा बन के आपका दम ही घोट दे? आपको मेरे बारे में ना जो भी राय बनानी है आप बना सकते हो, बट प्लीज मेरी मम्मी को कुछ भी मत बोलो आप। ओ देखो जी, ये कल की छोकरी, ये मुझे सिखाएगी कि विधवाओं ने कैसे रहना है? अरे जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा साल हो गए मुझे विधवा होकर, और तू सिखाएगी? मैं बस इतना कह रही हूँ, मेरी मम्मी की मेहंदी में अगर आज भी मेरे पापा की याद जिंदा है, तो अपने पापा को याद करके हमने कौन सा रूल ब्रेक कर दिया? अभी क्या बोल रही है तू? अच्छा हुआ ताया जी आप आ गए, हम तो बस मम्मी के हाथों में मेहंदी लगवा रहे थे, पता नहीं बीजी कहाँ से आ गई और ऐवें इतना गुस्सा करने लगी। तो क्या करें, ताली बजाए तेरे लिए? उल्टे सीधे काम तू कर रही है। बड़े बुजुर्ग अगर दो कायदे की बातें बताए तुझे तो तू सवाल लड़ाएगी उनसे? और रहन दे कुकी, रहन दे, बात तो सही कह रही है घुड़ी, हमें किसी के मामले में क्यों बोलना चाहिए, और मैंने कौन सा इसे बहू बना के कार ले जाना है?
बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे बीजी जी। और नहीं चिंटू नहीं, एक बारी पहले भी तू इस डायन को बचा चुका है, अब दोबारा इसकी वकालत ना शुरू करी। प्रतापे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया की मेहमान नवाजी कीती। ऐसी चाट पकौड़ी तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं खाई जो तूने यहाँ बुला के खिलवाई है। नहीं बीजी नहीं, बस जी बहुत हो गया, मुन्ना मैं एक मिनट में इतना नहीं रुकांगी। बीजी रुको रुको रुको, ब्रेक भी मार दो ना अब। बीजी ऐसा ना करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। ना कुकी ना, मैंने जाना है बस, जिससे साथ चलना है आ जाओ। हैप्पी तुझे हजार बार समझाया है, टिंकी की शादी ना बस शांति से हो जाने दे, कोई स्यापा मत कर, माफी मांग। हैप्पी बीजी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। एक सेकेंड, इसलिए एंट्री मारने की वेट कर रहा था। खैरात बांट रही है या माफी मांग रही है मेरी बीजी से? बीजी कहीं चोट तो नहीं लगी ना? चोट इसने मारा ना, माफी का पत्थर फेंक के। बीजी है मेरी ये, ट्रिपल है तेरे से उम्र में, थोड़ा ढंग से माफी मांग। बीजी मुझे माफ कर दो प्लीज। पर बीजी ने तो माफ किया ही नहीं जी। मधु मेरा ये रॉकी ना आग में घी क्यों डाल रहा है? रॉकी बस कर यार, इसकी बुद्धि ना अभी तक घास चर के लौटी नहीं है, ऐसे तड़ी में माफी मांग रही है। अरे बुजुर्गों की ना डांट में भी आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद ना थोड़ा झुक के लेते हैं। ये संस्कार इसमें कहां से आएंगे? मैं तो ना जब तक ये पैर झुक के माफी ना मांगे मैंने भी माफ नहीं करना। कोई गल नहीं जी, बड़ों से माफी मांग के कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता। एक मिनट मैं थोड़ा पास आके देखता हूँ कि इसने पैर छुए या नहीं। का फंडा क्लियर है, पंगा मतलब फुल दंगा। पैरों में झुका के माफी भी मंगवा दी और तेरी सारी हिकड़ी भी निकल गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।